ओसामा बिन लादेन ने जो 9/11 में किया उसके बाद हम सिविलियंस को तो कॉकपिट की एक झलक तक नहीं मिलती, बट लॉन्ग बिफोर दैट अ लिटिल गर्ल इन लखनऊ सॉ अ ड्रीम, और उसके बाद कसाटा आइसक्रीम को सैक्रिफाइस करके, करेले का जूस पी पी के, बरसों तक कड़ी मेहनत करने के बाद दैट यंग गर्ल मेड अ ड्रीम कम ट्रू आफ्टर फेसिंग अ मिलियन चैलेंजेस एंड शी वेंट ऑन टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमन एयरफोर्स पायलट एंड वेंट टू वॉर एंड अ फिल्म ऑन दैट इंस्पायरिंग जर्नी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल lands on Netflix on the 12th of August. Guys, good to see you. I promise you no questions on lockdown mein kya kar rahe ho, kya karne wale ho, all that's done. So we'll focus on the film. But, you know, the one thing, Janvi, that I noticed about Gunjan was her love for some iconic 90s film music. AGOG. Was that really part of Gunjan's life or was that Janvi Kapoor's input and your tribute to that young man called Anil Kapoor who happens to be your chachu? No, it wasn't any sort of tribute. She and her family, they are actually fond of movies and fond of films. And from what I understood from her, she was very well-versed with that world. Even the other scene in the SSP, when they asked her to tell us about aaj ki koi news ke baare mein charcha kijiye, and she gives them a fun Bollywood fact. Even that was true. That actually happened. I mean, she didn't give them that particular fact. It was another fun Bollywood fact that she read in, I think one of those magazines, Stardust or something like that. Right, Vineet, Baad of Blood, Betal, and now Gunjan Saxena. It seems like you have Indian forces ke alag alag officers play karne mein ab expertise hasil kar chuke ho. Was this the most produce? हैट्रिक हो गई है ये नेटफ्लिक्स के साथ भी. ये सबसे खड़ूस था क्या इन तीनों में से? आप खड़ूस तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड से आता है कि हमारे बचपन में हम जिस माहौल में बड़े होते हैं और बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं और वो ऑब्जर्वेशन से हमारी लर्निंग होती है और उस लर्निंग से हमारा बिलीफ आता है और वो बिलीफ के साथ हम बड़े होते हैं. फिर हमें ये लगने लगता है ये बिलीफ ही सच है और फिर वो हमारी आदत हो जाती है और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्ट करते हैं. और हम जाने अनजाने में न जाने कितनी ऐसी गुंजन सक्सेना के सपनों को उड़ान भरने के पहले ही कुचल देते हैं. और वो इसलिए नहीं कि वो किसी गुंजन सक्सेना के अगेंस्ट हैं, वो इसलिए बिकॉज ये हमारी सोसाइटी में ये चीज है कि रात को लड़की बाहर नहीं जाएगी और ये हमारे घर से शुरू होता है. कि अभी जैसे ये लॉकडाउन में है तो मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि लड़कों को रोटी बेलना सिखाओ, उन्हें खाना बनाना भी सिखाओ, ये मौका है. उनके अंदर से ये जो एक बैठा रहता है ना कि ये काम लड़के करेंगे, ये काम लड़कियां करेंगी, ये निकालो, ये लड़के और लड़कियों वाला चश्मा तोड़ दो. हर कोई इक्वल है, देयर आर सो मेनी टैलेंट्स आउट देयर. आप किसी भी फील्ड में जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ, मैरी कॉम इज देयर, पीटी उषा इज देयर, साइना नेहवाल इज देयर. आप साइंस में जाओगे, कल्पना चावला इज देयर. कौन सी फील्ड में लड़कियां कमाल नहीं कर रही हैं? और ये जो गुंजन सक्सेना की जर्नी है ये अपने आप में हिस्ट्री है, इनक्रेडिबल जर्नी है, जो हमें होप देती है, जो हमें उड़ान भरने का एक हौसला देती है. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. तो ये खड़ूस किरदार नहीं है, ये कहीं ना कहीं मैं इस बार सोसाइटी के उस हिस्से को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मानव, गुंजन का तो एक बड़ा ही पॉजिटिव ऑब्सेशन था कि उन्हें पायलट बनना है और मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि एक्टर बनने के पहले आप लुधियाना में होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे थे. तो आपका क्या सपना था, एक्टिंग या फिर ये सोचा कि चलो ये डिस्पेंसरी होगी, डॉक्टर मानव विज होगा लिखा होगा और मैं लोगों को मीठी मीठी व्हाइट गोलियां दूंगा और उनका इलाज करूंगा बस शांति. मैं आज तक मीठी मीठी गोलियां ही दे रहा हूँ. मीठी व्हाइट गोलियां मैं नहीं बदला, लोग बदल गए. मैं वैसे भी आई बिकेम डॉक्टर बिकॉज मेरी माँ ने मुझे बोला कि मुझे कोई बोले डॉक्टर की माँ, वो छोटे शहरों में होता तो आई सेट कि ओके बन जाते हैं. बट द डे आई कंप्लीटेड आई टोल्ड हर कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, बट शी डिस्करेज्ड मी एंड शी सेट कि तेरी डड्डू जैसी आंखें हैं, फ्रॉक जैसी और पकौड़े जैसा नाक है, तेरा कुछ नहीं होने वाला. सो बट थैंक गॉड आई डिडंट लिसन टू हर, सो आई परस्यूड. बट हाँ, मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, डॉक्टरी पूरी कंप्लीट की बिकॉज एज शी वॉन्टेड दैट, तो किया मैंने. I was not a great doctor, तो
मुझे लगा कि ये ट्राई कर लेते हैं. इसमें भी थोड़ा समझते समझते 10 साल लग गए मेरे को. सो समहाउ यही है, अभी मुझे लगता है कि लिखा ही था यहाँ तक पहुंचना. जानवी, क्लियरली दिस इज अ स्टोरी ऑफ, एज आई सेड, अ पॉजिटिव ऑब्सेशन, बट व्हाट्स द करियर और द काइंड ऑफ लाइफ और थिंग दैट यू ऑब्सेस्ड ओवर व्हेन यू वर अ टॉडलर, एंड व्हाट आर दोस मेमोरीज लाइक फॉर यू? Films only. Films, day and night films. Voluntarily or involuntarily, conversation at home was always about movies. Always revolved around movies. When we'd spend time together as a family, it was to watch a movie. Holidays were usually on Papa's film sets, Mom's film sets, or like film-related things. And outings were going to watch movies. Everything revolved around films for me. So yeah, I don't know if I ever verbalized it as a child that I want to act, but cinema was everything for me from a very young age. I think I've gotten more life lessons through films than I have through even formal education or even my own experiences, I think. Manav and Vineet play two strict, very straight talking officers. Guys, इस तरह का character निभाना क्या ज़्यादा मुश्किल होता है, where there is this stone cold silence, ज़्यादा expressions नहीं है? Maybe a little nod. Is that tougher? And what did director Sharan Sharma say to you jab unhone brief kiya in characters ke bare mein? To kya kaha tha aap logo? Vineet bhai. Koi bhi cheez, mera experience ye hai ki agar director sorted hai to tough se tough cheez easy ho jati hai. Otherwise wo dusri cheez ho jati hai ki easy se easy cheez jo hai na wo tough ho jati hai. Aur mera ye dono ka experience raha hai. यहाँ पे वी आर लकी के हमारे पास शरण शर्मा जैसा डायरेक्टर है. उम्र कम है शरण की, लेकिन विजन बहुत बड़ा है. ही इज वेरी शॉर्टेड, और वो कहीं ना कहीं, अगर डायरेक्टर जब शॉर्टेड होता है तो वो फिल्म में भी नजर आता है. ट्रेलर देख के कहीं से ये नहीं लगता कि ये किसी की पहली फिल्म है. और वाइल्ड डिस्कशन एंड ऑल, शरण किस तरीके से फिल्म को देख रहा है, अपने किरदारों को देख रहा है, इट वॉज वेरी क्लियर, एंड ही इज राइटर ऑल्सो. तो वो क्लैरिटी बहुत ज्यादा थी और उसकी वजह से बहुत आसान हो जाता है. बट हाँ, हर किरदार कुछ नया डिमांड करता है, तो वो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है एज एन एक्टर, और उसमें मुझे मजा आता है. आई लव द प्रोसेस. मानव, आई कंप्लीटली एग्री विद विनीत, बट पर्सनली स्पीकिंग मेरे लिए तो हर किरदार मुश्किल होता. मुझे तो पहले डायलॉग नहीं याद होता, तो पहले तो मैं राइटर के साथ बैठ के डायलॉग कटवाता हूँ, ये वाली लाइन कटवा दो, ये लाइन कटवा दो. बट फ्रैंकली स्पीकिंग, इस पिक्चर का मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस था, ऑनेस्टली पहले 20 मिनट में मुझे पता था कि मुझे इस लड़के के साथ काम करना है. आई समहाउ आई सेंस्ड कि ये पिक्चर इज सम, इट विल गिव मी समथिंग इन माई लाइफ. देखो, हमेशा हर फिल्म आपको शोहरत या पैसा नहीं देके जाती, कई बार आपको एक जर्नी दे जाती है जो आगे जर्नी में जाके काम आती है. It's always a process. तो शरण was very sorted. शरण को इतनी clarity थी कि मेरे को उसने unclear होने का scope ही नहीं दिया. मतलब which I tried दो तीन बार. So 25-25 retake दिए मैंने. But somehow I was very happy. I am very happy. I am part of this journey. I'm very happy that at the end of the day we'll be narrating you this story of Gunjan Saxena, jo ki it's a pure drama, it's a pure family, it's a pure emotion. So yes, I think we nailed it. I think so. Lag to raha hai. Gunjan, sorry, Janvi, Gunjan has a very endearing relationship with her father in the film. In that, did you see parallels with your own life, and what are those life-changing landmark conversations been like with your father and your great mother in the past? Yeah, I do share a similar relationship with my father. I think my father believes in me much more than I believe in myself. He tries to keep reinstating that belief, and I've learned so much from him and from my mom. I think, you know, the one thing that they've given me more than anything else in the world that I'm thankful for is the ability to you know, be happy for other people and to not harbor bitterness and to just, you know, focus on positivity. So I'm very grateful for that. And I think more than anything, I've seen how my father, you know, treats
me, Khushi and Anshula Didi and mom for that matter, he enjoys seeing us as women shine. He propels us to do better, to excel. He pushes us. His high in life, I think, is when we shine. And, you know, I didn't realize how rare that might be, how secure a man you have to be like that. And Anoop Saxena is one such character as well, who feels good when he sees his daughter shine and follow her dreams. And I think that that's very important. And, you know, I hope that every father and brother and friend and husband and boyfriend and whatever is like Anoop Saxena and is like my father. Manav, ये गुंजन सॉरी बहुत बोलती है तो ये बताइए जानवी का फेवरेट वर्ड क्या है उनसे निकी कोई ऐसी आदत है ऑन सेट उनका खाने में क्या है खाने में क्या है और मैं तो बोल नहीं सकता इसके खिलाफ बिकॉज ने मुझे चीज पिज्जा दिया था एक बार खाने के लिए मैंने तो इसका नमक खाया और जानवी ने अगर पिज्जा दिया किसी को बहुत बड़ी बात है मैं शेयर नहीं करती बट जानवी का फेवरेट वर्ड है कि चलो काम करते हैं सो शी इज हार्ड वर्किंग शी हैज अ विश टू एक्सेल एंड दैट इज ब्यूटीफुल सो समहाउ आपकी मैं पहले भी कह रहा था बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आप उन लोगों को मिलते हो जो लोग आपको काम करना सिखा देते हैं चाहे वो विनीत भाई हैं चाहे वो पंकज भाई हैं जानवी का हार्ड वर्क है शरण की ऑनेस्टी है यू नो और एक टीम आपको ऐसी मिल जाती है कि जो आपको काम करना सिखा देती है अब आप जरूर मुझे बोलोगे नहीं यार आपने तो पहले फिल्में की हुई हैं बड़ी फिल्में की हुई हैं लेकिन अगेन आई कम टू दिस पॉइंट कि आप जब भी कोई नई फिल्म पकड़ते हो वो आपकी नई जर्नी होती है वो आपको तोड़ भी सकती है और आपको बना भी सकती है सो दिस फिल्म वाज प्रेशियस टू मी एंड इज प्रेशियस टू मी बेसिकली मानव सर ऑल्सो इन द अदर फिल्म दैट आई वाज डूइंग एट द टाइम रूही अफ़ज़ा एंड आई थिंक कुछ सेगमेंट था जो हमने काफी बैक टू बैक शूट किया था तो एक दिन हम दोनों ओवरऑल्स में कॉकपिट के अंदर बैठ के टेक्निकल लिंगो में बात कर रहे थे एंड आई थिंक लाइक टू डेज आफ्टर दैट हम अचानक से मैं अलग गेटअप में वो बिल्कुल ही अलग गेटअप में बहुत अजीब था एंड इफ यू सी द फिल्म यू अंडरस्टैंड कि वो गेटअप इतना स्टार्क कॉन्ट्रास्ट था इस दुनिया से कि आई कंप्लीटली एग्री विद हर मैं तो मैंने दो तीन रीटेक इस बात के भी दे दिए थे मैं भूल जाता एक्टर याद आ गया आई एम लाइक दैट बैक बेंचर यू नो जिसको डांट पड़ती नहीं सर मैं तो सो रहा था सर गुंजन देखिए जानवी पिज्जा तो खिलाती है लेकिन गुंजन सक्सेना कसाटा आइसक्रीम नहीं देती कभी भी किसी को शी इज वेरी ग्रीडी अबाउट कसाटा आइसक्रीम तो नहीं मुझे मुझे दे देगी ये मुझे दे देगी आई आई मैं दे दूंगी यस सी आई हैव अ पेंसिल ऑफ योर कलर सेम कलर सी यू कैन गिव क्या बात है विनीत इस फिल्म में गुंजन सक्सेना के भाई का कैरेक्टर है व्हिच इज प्लेड बाय अंगद बेदी नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिकॉज़ इट्स नॉट व्हाइट और ब्लैक बड़ा ग्रे है आपने अपनी खुद की बहन मुक्ति सिंह के साथ एक फिल्म को राइट की है यू सीन द ड्रीम्स ऑफ अ यंग टैलेंटेड पॉजिटिव गर्ल वॉज इट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड गुंजन सक्सेनाज वर्ल्ड बिल्कुल बिकॉज गुंजन सक्सेना वो खुद लखनऊ से आती है मैं बनारस से आता हूँ तो उत्तर प्रदेश को काफी करीब से जाना और देखा है मेरी बहनें जब खेलने जाती थी तो मैं ग्राउंड जाता था और मैं ग्राउंड में इसलिए बैठा रहता था कि जब वो रनिंग शुरू करती थी तो उनके दौड़ने के साथ 40-50 लोगों की आंखें दौड़ती थी तो मैं इसलिए वहां बैठा रहता था कि कोई कमेंट ना करे ओके तो वो कहीं ना कहीं देखा है और बिल्कुल इस तरीके की चीजें होती हैं मुश्किल होती है और मैं चाहूंगा कि ये सारी चीजें खत्म हो पहले से काफी बेहतर है लेकिन और बेहतर हो सकता है कई मायने में ये चीजें काफी सुधर सकती हैं काफी अच्छी हो सकती हैं और मेरे घर में अनूप सिंह और अंशुमान दोनों हैं मतलब मेरे फादर भी हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को मतलब मेरी बहनों को वो करने के लिए पूरी आजादी दी उनका जो दिल में आए वो करें और अंशुमान भी है जो उन्हें प्रोटेक्ट भी करना चाहता है तो वो भी समझ में आता है तो ये फिल्म का एक बड़ा हिस्सा मेरे घर में चला है काफी लंबे समय तक मानव मैंने तो फिल्म देखी लेकिन दूसरों ने जब ट्रेलर देखा तो उनको पता चला कि गुंजन सक्सेना हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रिब्यूलेशंस इन द अर्ली डेज इन द एयरफोर्स उनके बड़े अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस थे एक काम 20 साल पीछे चलते हैं
टेल मी अबाउट व्हाट यू फेस्ड, और आपकी लाइफ में कमांडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा बनके कौन आया जिन्होंने सपोर्ट किया? 10 साल पहले मेहर आई थी, मेरी वाइफ। ओह स्वीट। और कमांडिंग क्या, बहुत डिमांडिंग ऑफिसर निकली वो। सो उसकी डिमांड भी खत्म नहीं होती। बट आई ऑन सीरियस नोट, यस शी इज द पर्सन हु गॉट मी टू फिल्म्स। मैं तो सीरियल कर रहा था, तो वी डेटेड ईच अदर। जब हम सीरियल कर रहे थे तो पहली बार उसने ड्रीम देखा था कि मैं आपको फिल्मों में देखना चाहती हूँ। उसने मतलब मुझे थोड़ा सा पुश किया, बहुत पुश किया, तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं यार आई कैन डू फिल्म्स। सो काफ़ी हद तक मेरी स्क्रिप्ट से लेके काफ़ी चीज़ें मेरी इमोशंस को सिलेक्ट करती हैं। व्हाई आई एम सेइंग इमोशंस को सिलेक्ट करती हैं, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, तो मैं कोई फिल्म सुनता हूँ तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता हूँ, तो मैं घर पे लेके आया था उसको, नहीं नहीं मुझे करनी है, तो ये डांटती भी उस बात को कि ये नहीं कर सकते आप, अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, यू नो। सो मेरी लाइफ में कमांडिंग ऑफिसर, टू बी वेरी फ्रेंक प्रोफेशनली, मेहर वाज एंड इज देयर राइट नाउ। समहाउ मैं अभी भी बहुत सारी गलतियां करता हूँ जो वो रेक्टिफाई करती है। समटाइम्स शी इंस्पायर्स मी, वो कुछ ऐसा काम कर देती है, कुछ ऐसी फिल्म कर देती है जहां मुझे लगता है ओ माय गॉड मुझे ऐसा कुछ करना है। फिर वो अवार्ड जीत लेती है तो मुझे लगता नहीं यार और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनवॉलंटरली और वॉलंटरली अभी तो वही है, लेकिन अगर बचपन से देखा जाए तो माय मदर, शी इज अलाइव इन मी राइट नाउ आल्सो, एंड टुडे आल्सो आफ्टर शी लेफ्ट आई फॉलो व्हाट शी इज ऑलवेज बिलीव्ड इन। अगर कुछ गलत जाने लगता हूं तो आई जस्ट थिंक अबाउट हर एंड सी की अगर वो होती तो क्या करती। एंड टिल टुडे yes I follow what she dreamt of. So two commanding officer so that is my answer honestly. Vineet, aapke career mein sortie cancel karne wale mile ki nahi mile jo hum sabke sath ho, it's not just about actors, it happens to all of us. Ha sortie cancel karne wale milte hain tabhi to koi Gunjan Saxena banti hai. Kya baat hai, kya baat hai na, wo hota hi hai kyunki wo cheeze aapko mazboot banati hain. Aur jo commanding officer ki baat mano ne boli, mano bhai ne, तो इसी जैसे एयरफोर्स और आर्मी में ट्रांसफर हुआ करते हैं ना, आप एक पर्टिकुलर पोस्ट पे बहुत लंबे समय तक, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं। तो जैसे जैसे आपकी ट्रांसफर होती है, आपका कोई नया कमांडिंग ऑफिसर होता है, तो वैसे ही मेरी जिंदगी में रहा है। अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने सॉर्टी कैंसिल की है। तो आई एम यूज्ड टू मुझे ऐसा लगता है कि मदद करने वाले भी कहीं से उड़ के आ जाते हैं मेरी जिंदगी में, और सॉर्टी कैंसिल करने वालों को मैं ऐसे देखता हूँ कि ये मुझे और मजबूत बनाने आए। राइट जानवी, वन ऑफ माय फेवरेट सीक्वेंसेस इन द फिल्म इज दिस बूट कैंप स्टाइल ट्रेनिंग, एंड व्हाट वाज इट लाइक टू शूट दोस सीक्वेंसेस, एंड बिकॉज़ आई डोंट थिंक यू गाइस यूज्ड एनी बॉडी डबल्स, डिड इट टेक यू बैक टू स्कूल डेज? इट डिडंट टेक मी बैक टू स्कूल डेज, थैंक गॉड दे डिडंट मेक मी डू ऑल ऑफ दैट इन स्कूल, बट I prepared quite extensively for it. I trained for 45 days to be able to do that, you know, rigorously and in tough conditions. We were shooting, I think, in it was 48 degrees, and it was the last 3 days of our Lucknow schedule. And it was a lot of fun. I really enjoyed it. And yeah, I think my director was very clear that wherever I could avoid using a harness, wherever it wasn't like a safety hazard, he wanted me to do it without one. And yeah, I trained for 45 days and we did it, and I hope it looks convincing and I hope people enjoy watching it. It does. Manav, aap is Manav aur Vineet, aap dono is film mein pichle quarter ke top performer batate ho, but tell me about your favorite scenes in the film very quickly because we have very little time left. मानो आई ऑलवेज विनीत पे डाल देता हूँ पहले विनीत प्लीज ब्रो सी बहुत सारे सीन्स हैं, डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से देखते हैं। मैं घर का वो जो सीन है पंकज भाई का और जानवी का, जहाँ पे जानवी का किरदार मतलब गुंजन सक्सेना का किरदार वापस आता है, और फादर जो है जिसने अपना सब कुछ सारा भरोसा अपनी बेटी के हाथ में रखा है और वो चाहते हैं कि वो उड़ान भरे, और वो वापस आती है बिकॉज कहीं ना कहीं एक उसका आउटबर्स्ट जो है हुआ है, और वो रिफ्यूज करके आती है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, और वो अपना गुस्सा भी निकाल के आती है। लेकिन
फादर का वहां पे जो स्टैंड है वो बहुत खूबसूरत है, बिकॉज ये सारी चीजें ना लाइफ की टर्निंग पॉइंट होती है। अगर वहां जरा सा भी हम चूक गए, अगर हम अपने बच्चे के इमोशन के साथ चले गए, ये तो बहुत कमिटेड रही है और सब कुछ है, कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है तभी है, तो वहां वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो किचन में लेके जाते हैं एंड एक रियलाइजेशन का आना कि समहाउ मैंने आउटबर्स्ट किया है लेकिन मैंने गिव अप भी कर दिया। तो वो गिव अप नहीं करना चाहिए, ये मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं, ये मैं मानता हूं। बाकी एक सीन है जानवी का और मेरा, जहां पे इस बात का मैं एहसास कराता हूं। एग्जैक्टली तो वो बहुत अच्छा बन पड़ा है। आई थिंक वो करते समय फील हो रहा था, बिकॉज मैं एज एन एक्टर जब काम करता हूँ तो सामने वाले की आंख में देखता हूँ, आई वाज फीलिंग। और जानवी काफी मेहनत से काम करती है, वो चीज मुझे अच्छा लगता है हमेशा। आई होप कि जानवी की मेहनत लोगों तक पहुंचे और पूरी टीम ने काफी मेहनत की है। तो ये ऐसे कई सारे सीन हैं, बट हाँ ये दो ऐसे स्पेशल सीन है। एंड द रियलाइजेशन, एक किरदार का जो रियलाइजेशन होता है, बिकॉज ही इज नॉट अ बैड पर्सन, बट की सोच को बदलना सबसे बड़ी विक्ट्री मुझे वही लगती है। मुझे गुंजन सक्सेना की एक बहुत बड़ी विक्ट्री में से एक विक्ट्री वो लगती है कि उस सोच को, वो एक इंसान की सोच नहीं है, इस तरीके की सोच रखने वाला एक जो बहुत बड़ा बहुत बड़ी संख्या है उसको बदल देना वो है। सिंबॉलिकली दो सीन्स आर रियली ब्यूटीफुल, क्वाइट इंटरनल, काफी अच्छा किया जानवी ने। डॉक्टर साहब फेवरेट सीन? अगर आप मेरे से पूछो, मैंने फिल्म तो देखी नहीं है अभी तक, लेकिन अगर मेरा और जानवी का आप सीन पूछो तो एक सीन है जिसमें वो कहता है कि आप कारगिल जा रही हो, बहुत सिंपल सीन है, लेकिन वो हमने पहले दिन पे शूट किया था ना, पहले दिन जो साथ में शूट कर रहे थे, दैट वाज आवर फर्स्ट सीन टुगेदर। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट दैट सीन, मुझे उसमें इतना प्राउड महसूस हुआ कहते हुए कि देश को अपने बेस्ट पायलट्स की जरूरत है, सो यू आर गोइंग टू कारगिल। और वो सिर्फ आंखों आंखों में बात थी, मतलब वो बात बोलनी थी, लेकिन उसमें उसको प्राउड भी था कि यस आई हैव ट्रेंड विद हर विद गुंजन। सेकेंडली उसको ये भी था कि मैंने राइटियस हूं, मैंने एक ऐसे बंदे को भेजा जो सही है देश के लिए। सो वो एक एक एंड देन उसमें एक जय हिंद बोला था तो इमिडिएटली आई फेल्ट दैट काइंड ऑफ स्मॉल ट्रेमर्स इन माई बॉडी की यस। जब वो ओके हुआ तो मुझे 5-10 मिनट लगे थे नॉर्मल होने के लिए। कई बार ऐसे सीन्स आपकी लाइफ में आ जाते हैं जो आपको याद रहते हैं, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। वो अच्छा है या बुरा ये नहीं पता, लेकिन यस आई फेल्ट दैट सीन और उसकी फीलिंग आज भी लेके घूमता हूं मैं, सो आई लव दैट सीन। फाइनली जानवी फेवरेट सीन क्विकली। आई रियली एंजॉयड डूइंग द पंजा सीन विद विनीत सर। And the scene at the end when I come back, you know, from the war and I meet my father. The Panja scene actually was very interesting to shoot because I think, you know, I really want to give Vineet sir credit for this, how supportive he has been as a co-actor. He really wants everyone to perform at their optimum and he'll do everything in his power to make sure the scene is at its optimum. And yeah, I think he really helped me in that scene. Right. Right. So plane ladka udaye ladki use pilot hi kehte hain, jisko lagta hai ki ladkiya pilot nahi ban sakti, unhe murga bana diya jayega. So kasata ice cream khate khate dekho Gunjan Saxena's The Kagi Girl. It hits Netflix on the 12th of August. Aur jaate jaate Gunjan Saxena ko air force salute. Jai Hind.